বন্দে গুরুপদ ভক্ত বিন্দমনি শ্রীচৈতন্য প্রভু বন্দে নিতোদি শ্রীনন্দনন্দন বন্দে আধিকা চোদ গোপীজন সামুক্ত বৃন্দন মনোহর वाछाकलूश् कृपा सिन्धुव पति पापुनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नम मूक पंगु लिरी यम बंदे परमाधव बृंदा तुलसीदे वै पिया वै केशवश स्न भक्तिपदी देवी सत्व नमो नम নারায়ণ নমস্কৃত নরুঞ্জয় নরত্তম দেবেং সরস্বতীং বাসন্ততোজয়ো ওম ধীরে সংকীর্তনে কৃষ্ণ কথোপদেশ গৌরীপত্রস্য প্রকাশনে চ সদা নুরক্ত গুরুভক্তিযুক্ত ভক্তি प्रमोदাক্ষ জগোৎ বরুন धैर्यं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तेथास्पदं शिवभिरञ्चनुतं तं शरण्यं भित्तात्प्यहं पुनतपाल्लभवाद्विपोथं वन्दे महापुरुष ते चरुणार्विन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुर्येत किमपि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनितानन्द सियद्वैतगदाधर शिवसदिः गौरभक्तबिन्द श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनितानन्द सि अद्वैतगदाधर शिवसदिः गौरभक्तबिन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनका का कमला कमलायताक्ष विषाम बरो जुगधर्म पालो पाल जगत प्रिय करु करुणा भूतारु हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नमामि गङ्गे तवपादुपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानम् गङ्गातरङ्गमणीयजटा कलापं गौरीनिरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानुसीपुरपतिभज भीश्यनाथं वागीषजुष्वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि ज्यास्ते हृदय त्वं षिंगमह भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे शरीर वसुविज्ञान कर्मगुणन असून गुर्वाधारेज्यस्थ सशिष्य नेतरश्रिता शरीर वसुविज्ञान कर्मगुणन असून जस्तु सशिष्य नेतरश्रिता गौड़ी गोष्ठीपोति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रात जगत गुरु जी ने बताएं हम लाखों लाखों लोगों को सैक्रिफाइस करके बलिदान करके लाखों लाखों लोगों का बलिदान करके लाखों लाखों लोगों का बलिदान करके इन लोगों का जो मेटेरियल एन्जॉयमेंट मूड है सब कोई को बलिदान करके छुड़ा के लाखों लाखों गैलन खून व्यय करके लाखों लाखों रुपया खर्चा करके इन लोगों का जितना सारे मोरालिटी है मोरल आदर्श है आई I मीन mean, नैतिक आदर्श है इन लोगों का जितना कर्तव्य कर्म है समाज का संसार का लिए एलो का जितना ऑनेस्टी है सब चीज़ों को हम छुड़ा के गौरंग महाप्रभु का संकीर्तन जो संकीर्तन का जो प्रवाह है हम ही तमाम जगत में आई लाइक टू ब्रिंग ए फ्लैग ऑफ हरिकथा क्योंकि ये अपराक्ष जगत का हरिकथा ये है टॉपमोस्ट पुरुषार्थ हो सबसे ऊपर चीज़ है वो बात कह रहे हैं लाखों लाखों लोगों को बलिदान करके बलि चढ़ा के इन लोगों का फिजिकल एमेनेस्टिस जैसा सुख सुविधाएं ये सब सुख सुविधाएं हैं लोगों का ज़िंदगी में ए लोगों का ज़िंदगी में जितना मोरालिटी है जितना ऑनेस्टी है सब कुछ हम छुड़ा के एलो का जो ड्यूटी है सब छुरा कर गैलोन सॉ ब्लैड लखो लखो गैलन ब्लैड खून खर्चा करके लाखों लाखों पैसा खर्चा करके मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का जो हरि संकीर्तन का हरि कथा का, का जो फ्लो है ये तुमाम जगत में तमाम जगत में ये हरि कथा का, का फ्लो हम लाना चाहते हैं हम ये जगत में आई टू ब्लिंग ऑफ फ्लैड ऑफ कथा इस जगत में क्योंकि कथा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है सबसे बड़ा पुरुषार्थ ये है गुरुचरण किसको बोला जाता है गुरुचरण कौन है जिनके चरण में पहुंचने का बाद किसी भी चीज का जरूरत नहीं पड़ता चरण उसी को बोला जाता है जिनके चरण में पहुंचने का बाद कभी भी कोई अभाव का महसूस नहीं होता चरण उसका नाम है जिस चरण में पहुंचने का बाद दुनियादारी का किसी का संग करने का कोई इच्छा नहीं होती इसका नाम गुरुचरण पोपट कह रहे हैं आपका जिंदगी में कितना प्रतिष्ठा चाहिए बताओ ये बताओ आपका जिंदगी में कितना कितना पैसा चाहिए कितना प्रतिष्ठा चाहिए कितना प्रतिपत्ति चाहिए क्या क्या चाहिए बताओ यू नीड नॉट गो एनी वेयर कम टू मी आपको दूसरा जगह जाने का दरकार नहीं है ये बाधा रहा आप सदगुरु चरण में आओ क्या कुछ नहीं मिलता गुरुचरण में तमाम प्रतिष्ठा तमाम लाभ पूजा प्रतिष्ठा सब कुछ मिलता है क्योंकि गुरुचरण कंप्लीट चीज़ है गुरुचरण भगवान से अभिन्न है शिगौर करुणा शक्ति विग्राह नमस्तुते बोलने का समय में हम लोग बोल देते हैं अनुभव में नहीं आते पोपात कहते हैं आपका जिंदगी में कितना लाभ पूजा प्रतिष्ठा प्रतिपत्ति कितना क्या चाहिए आओ गुरुचरण में आओ उधर क्यों जा रहे गुरुचरण में आओ तमाम चीजें मिल जाएंगे आपको इधर उधर भगने का कोई दरकार ही नहीं है कहो कितना चाहिए बोलो पोपात कह रहे हैं गुरु वैष्णव का अपमान पोपात कह रहे हैं गुरु वैष्णव का अगर अपमान हो जाए मेरा आंखों का सामने ये कदापि मंजूर नहीं है पोपात कह रहे हैं जे गुरु वैष्णव का अपमान को सहन करना खामोश रहना कोई जवाब नहीं देना कोई प्रतिवाद नहीं करना ये पतन का कारण है ध्यान से सुनना वो बात कह रहे हैं गुरु वैष्णव का शुद्ध गुरु वैष्णव का अपमान अगर हमारा सामने हो जाए अगर हम कुछ खामोश रहे कुछ जवाब ना दे उत्तर ना दे तो मेरा पतन अवश्यम्भावी इनोवेटेबल ये हम नहीं कह रहे हैं सती देवी भागवत में आता भागवत में आता है देवी मैया ने अपना पिता के द्वारा दक्ष प्रजापति के द्वारा अपना स्वामी शिवजी महाराज का अपमान का सहन नहीं की प्रतिवाद की इतना प्रतिवाद की कि ये आदर्श बन के रह गए बने तुम छोड़कर दुनिया का कोई आदमी नहीं जानता कि शिव मतलब मंगलमय है अरे आप कह रहे हो यह दूषित है ठीक है मैं आपका शरीर का साथ आपका जो संबंध है देवी मैया कह रही है मेरा साथ मेरा ये शरीर का साथ आपका जो संबंध है ये मिटा देने के लिए मैं तैयार हूं आपका साथ मेरा जो ये शरीर का संबंध जोड़ा हुआ है ये मैं रखना नहीं चाहती हूं ऐसा बोल के जवाब दी कि अगर गुरु वैष्णव का अपमान हुए तो जिन्होंने अपमान किया उसका जीवा का छेदन करो या तो कर्णम पिधायो कान श्रवणियों को बंद करके उधर से भागो और नहीं तो सॉरी छोड़ दो प्रतिवाद करो खामोश रहना ये वैष्णवता नहीं हम प्रमाण करेंगे धीरे धीरे आज जिस महापुरुष का आविर्भाव तिथि है अहो भाग्यों से यह महापुरुष का थोड़ा कृपा लेने का अवसर प्राप्त हुई है आज आज ये महापुरुष का क्योंकि यह शास्त्रों का कहावत है लिखा हुआ है वैष्णव गुणोगान कोरिले जीवे त्राण वैष्णवों का गुणोगान अगर करे जीवों का त्राण हो सक त्राण मतलब त्राण का मतलब क्या है अब अगर त्राण का मतलब ये यूं समझो कि माया का बाहर जाए इतना ही काफी आप ये सोचते हो जब गुरु वैष्णव का गुणगान करने से आप माया का बाहर जाओगे इतना इतना काफी है नो आपको प्रेम संपत्ति मिलने वाला भागवत जी का पुराण है भागवत जी का पुराण है भागवत जी महापुराण में ये प्रमाण है सुतस्व पुंशम सुचिर समस्या नान सुरीर अर्थ तत्त तत, गुणान सवनम मुकुंद पदार बिंद हृदय हजारों शास्त्रों को मुखस्त करो हजारों शास्त्रों को मुखस्त करो आपका दिमाग है वेद वेदांतों का चर्चा करो कर लो कर लो जितना मर्जी है भागवत जी महापुराण में प्रमाण दिया है सुतो सपुंसम सुचिर समस्जोसा सूर्य तत्व तो तो। तो तो गुणानुसम मुकुंद पदार विद हृदय जेशम जिन महापुरुषों ने जिन सब महापुरुषों ने अपना हृदय में भगवान का चरणार बिंदु को स्थापन कर लिया और लॉक कर दिए लॉक कर दिए निकालने नहीं देंगे जो सब महापुरुष का हृदय में भगवान की चरण कमल कन्फाइन एकदम लॉक कर दिया निकालने नहीं देते ऐसा मापिक महापुरुषों का अगर हम गुणगान करें महिमा कीर्तन करें तो मेरा हजारों शास्त्रों का अनुशीलन करना वेद वेदांतों का अनुशीलन करना इतना समय को बर्बाद करना ये दरकार नहीं है भागवत कहें आप इतना समय क्यों दे रहे हैं जो इतना एनर्जी इतना इतना प्रयास प्रचेष्ठा आप कर रहे हो तो यू कैन गेट इट वेरी इजीली। गुरु वैष्णव का गुणगान के द्वारा जो प्रयास प्रचेष्टा और सालों भर आप कर रहे हो वेदांतों का पंडित बनोगे बड़ा आपका स्वागत होगा समाज में कितना बड़ा पंडित है लेकिन फाइनली क्या अचीवमेंट है व्हाट इज द फाइनल अचीवमेंट इसके द्वारा आप पार हो सकोगे भवसागर पार हो सकोगे क्या आप इसके द्वारा भवसागर पार होके जाओगे शास्त्र मुकुस्त करो बड़ा बहादुरी दिखाओ हम कामयाबी हासिल करो सब कुछ करो लेकिन यह भवसागर पार हो सकोगे कैन यू क्रॉस भवसागर? इसीलिए शंकराचार्य जी ने बताए शंकराचार्य जी ने भी बताए जितना सारे शास्त्रो आदि मुकुस्त करो ये व्याकरण ये टीका टिप्पणी ये वेदांतों का जो व्याख्या है सब याद कर लो सब खोपड़ी में भर लो हॉ लेकिन भवसागर पार होना संभव नहीं है जब तक एक महान गुरु वैष्णव का चरण में अपना जीवन जिंदगी को बिखरी नहीं करोगे तब तक ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कोई संभावना नहीं है आपको व्याकरण नहीं बचाएगा वेदांतों का टिप्पणी आपको बचाएगा नहीं आपका रियलाइजेशन आपको बचाएगा आपका रियलाइजेशन आपको बचाएगा डायरेक्ट रियलाइजेशन आपका, आपका प्रत्यक्ष अनुभव गुरु वैष्णव को सेवा करने का साथ साथ गुरु वैष्णवों का सेवा करने का साथ साथ जो डायरेक्ट अनुभव है डायरेक्ट रियलाइजेशन दैट यू कैन नॉट बाय फ्रॉम मार्केट बाजार से खरीद नहीं कर सकोगे जितना पैसा है बाजार से खरीद नहीं सकोगे भागवत का ये प्रमाण हमने दिया है ये महापुरुष का नाम क्या है ये महापुरुष का नाम है शिला भक्ति सारंग गोसाई महाराज भक्ति भा, सारंगो गोसाई महाराज याद रखना भक्ति सारंगो माने क्या है सारंगो का माने क्या है सारंगो संस्कृत वर्ड में हनी मधुमक्खी मधुमक्षी जी ने यह नाम दिया हम आए धीरे धीरे चर्चा करेंगे इनके जो नाम है भक्ति सारंग गोसाई महाराज इज सक्सेसफुल भक्ति सारंग गोसाई मारे इनके नाम भक्ति सारंग लगाएगा क्यों भले ये माधु मधुमाक्षी जैसा जैसे मधुमाक्षी फूलों से सैत मधु जैसे मधुमाक्षी तमाम फूलों से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके शायद मधु संग्रह करके इकट्ठा करते हैं इसीलिए संतो महात्मा का नाम है मधुमक्षी इसीलिए चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल में जो सीमान महाप्रभु का चरण कमल में ये जो होवरिंग अराउंड द लोटस फीट ऑफ चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरण कमल का सौंदर्य सौकर्यो सौगंध श्री चैतन्य चरण कमल का सौंदर्य सौकर्यो सौ शौ... सौगंध से आकृष्ट होकर जो मधुमक्षी जो सब मधुमक्षी मतलब संत महात्मा जो चैतन्य चरण कमल का सौकर जो सौंदर्य सौगंध जो हो से आकर्षित होकर चैतन्य चरण कमल में मरमरा रहे मरमरा रहे गुनगुन गुनगुन कर रहे क्यों मधु खाने के लिए मधु लेने के लिए इसीलिए संत महात्मा सारे जो वास्तव साधु महात्मा हैं, इन लोगों का नाम है मधुमक्षी भ्रमणा मधुमक्षी है आपका जितना भी पैसा है जितना भी टेक्नोलॉजी है तमाम ये टेक्नोलॉजी का बाजी लगा के आप फूलों से मधु निकाल के दिखाओ चाहे एडवांस चाहे जितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी है चाहे जितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी है आप दिखाओ मधु निकाल के तमाम हम फूल का बगीचे हम दे देंगे आपको बगीचे से फूल लेकर अब मधु निकाल के दिखाओ ग्राइंडर में पीस कर घिस कर किसी भी हालत से मधु निकाल के दिखाओ जो तो महाराज ये संभव नहीं है कदापि संभव नहीं क्यों संभव नहीं है ये मधु कलेक्ट करना मधु संगो करना एक मधुमक्खी का काम है हमारा काम नहीं आपका भी काम नहीं है ये संत महात्मा का काम है इसीलिए स्वरोगी स्टकम जो है इसमें ये चर्चा हुआ है नाना सस्तु विचारो नई को निपणो सद्धर्म करे लोकाना तिवने ये जो बताया ना इसलिए बताया तमाम शास्त्रों को मंथन करके जो क्रीम है हम लोगों का सामने धर दिया इतना अकलमंदी है ये भी ले नहीं सकता सारे शास्त्रों को तमाम शास्त्रों को मंथन करके हमारा सामने क्रीम रख दिया <coughs> नाना शास्त्र विचार को निपिनो सदर्म संघ स्थापक हो लोकान हित करो तिब मने मान्यो शरण करो कितना सुंदर बंदे रूप सनातनो ऋगजुग श्रीजी भग गो पालक हो रूप सनातनो ऋगुजुगो गो पालो को ये माधुमाक्षी जैसा स्वभाव है परम पूज्य बात सिलो भक्ति सारंग गोसाई महाराज भक्ति सारंग गोसाई महाराज का नाम दिया गया भक्ति सारंग गोसाई महाराज जैसे भागवत में आता है परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कथा सुना है ये कथा को भगवत का सेकंड अधिवेशन दूसरा अधिवेशन जहाँ सनकादि ऋषि शुत्रदेव गोस्वामी का पास सुन रहे हैं ये सनकादि ऋषि शुत्रदेव गोस्वामी का पास एक क्वेश्चन एक प्रश्न रख दिया सनकादि ऋषि सनकादि ऋषि ने शुत्रदेव गोस्वामी का पास एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया क्या है बोले महाराज ये जो परीक्षित महाराज है इतना ताकतवार है वो अनायास अनायास कोहली को काट के फेंक दे ये अच्छा होता क्यों नहीं किया कोहली का सामने परीक्षित महाराज ने अपना तरवाल उठाया था ऐसे खोल के लेकिन मारा नहीं क्यों ये सरनागत हो गया हमको बचाओ हम भयभीत हो गया परीक्षित महाराज ने क्यों इसको नहीं मारा जबकि कली बदमाश है कली का मापिक बदमाश कोई नहीं इतना बदमाश है और दुर्योधन जो है कली का अंश है भागवत में लिखा हुआ है महाराज कलेर दोष निधे राजन उस्ती एक महान गुना कलेर कलेर दोष निधे राजन उस्ती एक महान गुना कित्यनाद एव कृष्णस्व मुक्त संग परम भजत अब सुतदेव गोस्वामी उत्तर दे रहा है जे आपने मेरा सब प्रश्न धर दिया रख दिया कि क्यों परीक्षित महाराज ने कली को नहीं मारा पहले कारण एक है कली दोष की खजाना है मैं मानता हूँ कली दोष की खजाना है मैं मानता हूँ लेकिन कली का अंदर में एक ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी क्वालिटी है जिनके द्वारा अगर आदमी चाहे पार के जा सकता है भगवान के चरण में कलिजु केवल नाम आधारा सुमर सुमर जीव उतर ही पारा भागवत जी महापुराण में दिया हुआ है सुखदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के साथ परीक्षित महाराज का कथा हो गया चुगदेव से उत्तर दिया आप परीक्षित महाराज ने क्यों नहीं मारा इसका उत्तर दे रहा है कलेर दोष निधे राजन एक महान गुण है कलिका है खजाना दोष का फिर भी एक गुण है क्या है ये भगवान का नाम कीर्तन करते करते बेरापार हो जाए इसीलिए नहीं मारा परीक्षित महाराज ने सोचा समझा कि महाराज जो सिंसियर है जो लोग सिंसियर है पार होना चाहे जो सिंसियर है जो पार होना चाहे उसका बेरा तो महाराज पार ही हो जाएगा लेकिन जो सिंसियर नहीं है जो अपना समय को गंवा रहा है अपना जीवन जिंदगी को खराब कर रहा है उसके लिए क्या कर सकता है कोली रहे तो भी उसका अमंगल है कोली नहीं रहे तो भी इसका अमंगल है हम क्या करें वो तो चाहता ही नहीं है अपना मंगल अब ये प्रश्न आता है जे प्रभुपाद जी का चरण में 1926 ट्वेंटी जी का चरण में आए और इसका बैकग्राउंड हम थोड़ा बता के जल्दी हम सिद्धांत तो विचार करेंगे आप लोगों का कीपा लेकर पोपा जी एक दफे पोपा जी एक दफे एक दफ़े प्रौपा जी कोलियारी फील्ड है कोलियारी फील्ड धानबाद आपने सुने होंगे नाम धानबाद पहुंचे प्रचार के लिए अपना भक्तों लोगों का साथ प्रौपा जी उस समय में हमारा जो भक्ति सारंग गोसाई महाराज तब उसका नाम था अतुल चंदो बंदोपाध्याय इनके नाम था अतुल अतुल बंदोपाध्याय बड़ा घरेने बड़ा घराने का इतना बड़ा ब्राह्मण फैमिली इतना ऊंचा खानदान ब्राह्मणों में ब्राह्मणों में भी ग्रेड है ये सबसे ऊंचा ब्राह्मण है तब की जमाने में ये ब्रिटिश पीरियड ये ब्रिटिश पीरियड में ये महाराज जी अर्थात ये अतुल चंद्र बंदोपाध्याय ये रेल स्टेशन का मैनेजर थे ठाकुर जी का क्या कृपा है कौन जाने बाय चांस ये महापुरुष को देख लिया प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर को देखने का साथ साथ हृदय में एक रिएक्शन पैदा हुआ तुरंत जाके प्रणाम की और वार्तालाप की और प्रार्थना की महाराज आप अगर कृपा करके करुणा करके मेरा घर में पधारो हमारा घर में शुद्ध नियम है कोई अनाचार नहीं है किपा करके अगर पधारो आपका स्वागत है किपा करके चलो तो पोपा जी का नित्य पार्षद है देखने में देखने में पोपाद का साथ अभी परिचय हुआ लेकिन ये नित्य पार्षद ये पोपा जी ने स्वीकार की पोपा जी ने खुद स्वीकार की ये नित्य पार्षद है पोपा जी ने इनके घर में गए तीन दिन तीन दिन रह के हरि कीर्तन हरिकथा प्रचार किए चारों ओर उसके बाद हरि कथा सुनने का बाद देखने का बाद आचार आदर्शों आजकल का जमाने में आचार आदर्शों का भी है आप लोगों का सामने कोई कीमत नहीं है आप लोग मतलब आप लोगों में जो चाहता नहीं वो लोगों की कीमत नहीं है समाज का ऐसा स्थिति हो गया जबकि आचरण को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया लेकिन कहाँ करे कली का प्रभाव है महाराज जी को सेवा करने का मिला महाराज जी हर महीना पचास रुपया तब की जमाने में पचास रुपया का मतलब है कितना पचास रुपया का कीमत कितना है आप जानते नहीं हो उस जमाने में ये पचास रुपया हर महीना चैतन्य मठ में भेजते थे और एक दफे चैतन्य मठ जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था मेन सब बिल्डिंग आदि सब उस समय में पैसा का कमी था लेकिन प्रेम का सिद्धांत तो विचार का आचरण का कोई कमी नहीं था आज उल्टा हो गया खूब पैसा है सब कुछ है फिजिकल एमनेस्टिस है फोन मोबाइल है इंटर सब कुछ है लेकिन उस जमाने में जैसा भक्ति का प्रोपागेशन विस्तार दिखाओ क्या दुख की बात है पैसा नहीं है ईट खरीदने का सोचो क्या बात है जबकि पंचतत्व तो तो और भगवान सब बोले हम लोग हैं आपका पीछे काल बहुत चर्चा करने का इच्छा था लेकिन कर नहीं पाए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो नहीं पाए कुछ कारण है जब भी होगा बाद में कोई क्या करे अतुल कृष्ण गोस्वामी को, को खबर भेजा गया कैन यू अरेंज सम कोल कैला कैला अरेंज कर सको आप कुछ बोला हाँ क्यों नहीं अतुल चंद बंदोपाध्याय कोलियरी फील्ड में जितना मैनेजर है ये लोगों साथ कनेक्शन किया बोले मेरा गुरुजी मेरा गुरु जी को मठ बन रहा है मायापुर में और ईटा बनाने के लिए कोयला चाहिए आप दोगे रहा देंगे क्यों नहीं देंगे बड़ा ट्रक पंजाब पंजाब ट्रक भूल कितना ट्रक कोयला लेके फेंक दिया महाराज जी और उसी कैला से जलाया गया ईटा से मंदिर का निर्माण आदि भाई और लभधार पणम गुरुचरण में सब कुछ देना है गुरुचरण में सब कुछ देना है जितना सारे हमारे पास क्या कुछ सब कुछ देना है अगर ना दे तो सक्सेस होना मुश्किल है ओतुलचंद बंदोपाध्याय जी ने क्या किया पोपात के बताए बिना पोपात को बताए बिना नौकरी से रेजिग्नेशन दे दिया एक लौता बेटी थी एक लौता बेटी बेटिया रानी के शादी कर दी इसका बाद बीवी को लेकर घर में जितना सामान है टेबल, चेयर अलमीड़ा जितना जेवरत है कुछ भी है तमाम पंजाब ट्रैक में पंजाब लड़ी में भर्ती किया यहाँ तक भी बिस्तारा सब भर्ती की बिना बताए जोगपीट में आ गया अब पोहपात को खबर चला अतुल कृष्ण ब्रह्मचारी रिजिग्नेशन दे दिया ही लाइक टू डेडिकेट इस होल लाइफ फॉर द सेवा ऑफ गुरुदेव सोचो क्या बात है कितना हिम्मत है बीबी को भी लेके आई ले के लेके ले आए पोपात को बताए पोहपात आपका चरण में मैं अपना जीवन जिंदगी सब कुछ दे दिया यहाँ तक तो कि मेरा पत्नी है जो सेवा में लगाना है आपको लगाओ अब हम आपका है अब हम आपका है आप जो कहोगे वो करें 1926 प्रोपाद इनके सेवा और प्रेम इसका पहले से ही संस्कृत में पंडित थे पहले से ऊंचा घराने से है हिंदी बंगाली संस्कृत इंग्लिश फ्लुएंट लाइक यू नो क्या कहे इन्हें बोलने का स्टाइल रिप्रेजेंटेशन इतना अच्छा है और फिगर इतना सुंदर है पोपा जी समझ गए इसके लिए गौर सेवा गौर अपेक्ष अपेक्षा अपे कर रहे हैं इच्छा करके गौर वाणी गौर वानी गौर, गौर बानी गौर इनको सेवा देना चाहता है पोपा जी को हरिनाम पोपा जी इनको हरिनाम दीक्षा सब हो गया अब जल्दी सन्नास भी दे दी ब्रह्मचारी नाम क्या हुआ अप्राकित प्रभु ब्रह्मचारी नाम क्या हुआ बोले अप्रा अप्राकित प्रभु अप्राकित प्रभु गौड़ियों का एडिटर इन चीफ इतना बड़ा तो है इतना बड़ा प्रोफेशंसी है इतना हेवी डेडिकेशन है कंप्लीट डेडिकेशन पोपा जी ने आनंद से उछल पहरे पोपाजी ने बोले पौपा जी ने बोले चलो प्रचार में जाए एक एक जाएगा पोपा जी ने भेजा अतुल कृष्ण ब्रह्म हमारा अपराखित प्रभु को इतना समय नहीं है बोलने का हैरान हो जाओगे बोलने से ये हमारा परम पूज्य है ग्रुप ब्रह्मचरी महाराज एवं ब्रह्मचारी अर्थात हमारा परम माधु गोशी महाराज एवं गोस्मी महाराज मतलब ये हमारा अपराकृत तो प्रभु ये दोनों गौर मठ के लिए क्या कुछ नहीं किया तमाम गौरिय मठ का जितना लाखों लाखों रुपया का कलेक्शन है जितना नवदीप धाम परिक्रमा जितना ब्रजमंडल धाम परिक्रमा जितना क्षेत्रमंडल धाप परिक्रमा ऑल सपोर्टेड बाय अतुल कृष्ण अतुल कृष्ण बंदोपाध्याय मतलब अप्राकित प्रभु जिसका सामने पहुंचे इसका बाप का हिम्मत नहीं कि मैं कुछ नहीं दूंगा देने वाला नहीं है अगर कहे कि मेरा श्रद्धा नहीं है श्रोधा नहीं है आप जाओ हाँ श्रद्धा नहीं मैं जानता हूं इसीलिए मैं आया हूं आपका श्रद्धा नहीं है गौड़िया मठ का प्रति श्रद्धा पैदा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ बैठ कर बैठ गया अचियार में किसी बात का हिम्मत नहीं है इसका सामने है ना कुछ उल्टा सीधा कहे इतना इन्फ्लुएंस है इतना हैवी पर्सनैलिटी है इतना हैवी पर्सोनैलिटी है कोई अगर इसका और देखे को सही महाराज फोटो देखे होंगे ना फोटो में कुछ नहीं है तब के जमाने में कलर फोटो नहीं था कुछ नहीं है गोसाई महाराज ने क्या कुछ नहीं किया क्या कुछ नहीं किया क्या किया नहीं क्या कुछ नहीं किया प्रपात के लिए मैंने जो शुरुआत में बोला था वैष्णव का अपमान में वैष्णव का अगर अपमान हो जाए इसमें अपना पेशेंसी खो जाना इट इज कॉल भक्ति ट्राई टू रिमेम्बर अगर हमारा आंखों का सामने प्रोपात का अपमान हो हमारा आंखों का सामने हमारा माधव गुस्से महाराज का अपमान हो हमारा आंखों का सामने गुरु गुरुवर्गो का गौरी का अपमान हो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं मरते दम तक मैं उसका सबक सिखाऊंगा मैं छोड़ने वाला नहीं है चाहे मार डाले मेरे को ये मेरा प्रतिज्ञा है ये मेरा प्रतिज्ञा है कुछ भी कहे आदमी कहने दो पोपा जी कह रहे हैं गुरु वैष्णव का अपमान सहन करना ये भक्ति का लिए बहुत मुश्किल है भक्ति होगा नहीं पतन हो जाएगा पतन पोपा जी एक दफे कानपुर में एक घटना बोले दो चार घटना क्या करे इतना समय थोड़ा है क्या करे कानपुर में कानपुर में प्रचार में गए पोपा गोसाई महाराज और गोसाई महाराज क्या कुछ नहीं किया पोपा जी ने जगतवासी को बचाने के लिए जितना मैगजीन है वीकली डेली वीकली फोर्टनाइट, मंथली सिक्स मंथली तमाम डे एंड नाइट पब्लिकेशन चल रहा है एग्जीबिशन चल रहा है स्पिरिचुअल एग्जीबिशन तमाम एक एक महान पुरुषों को भेज रहा है जाओ प्रचार करो वहां जैसे गोरंग महाप्रभु ने आदेश किया नित्यानंद प्रभु को हरिदास जाओ जाओ नित्यानंद जाओ हरिदास अमार आग्गा ये करो हो प्रकाश जाओ पापा जी का जाओ प्रचार करो कानपुर में प्रचार में गए एक दफे कितना कहूँ समय नहीं है कानपुर में प्रचार में गए और, और बात फैल गया चारों ओर बात फैल गया ये एक महापुरुष आया है इतना सुंदर देखने में कितना पंडिताए है सारे ये सब कितना सब सिद्धांत तो विचार करे सारे देखने के लिए छूटे जो जगह पोपा ठहरा था और अतुल कृष्ण ब्रह्मचारी ऐसा हमारा अतुल कृष्ण बंदोबाध है मतलब ये अपराखित प्रभु बाद में तो गोसाई महाराज हुआ गोसाई महाराज का इतना इन्फ्लुएंस है जहां भी जाए एक एक घटना सुनो तो हैरान हो जाओगे जहां भी जाए विद इन वेरी शॉर्ट टाइम पूरा इन्फ्लुएंस घुमा दे अपना चक्का घुमा दे इतना इन्फ्लुएंस है क्या कहूं एक एक घटना कहें तो पागल हो जाओगे पागल हो जाओगे आप विश्वास नहीं करोगे कैसे संभव है कानपुर का जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने क्या किया ऑफिस का बाद गाड़ी लिया चलो महात्मा को देख के आए महात्मा को देखने के लिए आए अब क्या जाने इसका अंदर में क्या श्रद्धा कैसा है क्या है कौन जाने क्योंकि पश्चिम में जितना जाओ महाप्रभु जी ने बताए पोश्चिम लोक पोश्चिमे लोग सब मुड़ो अनाचार ये पोपा ये महाप्रभु का कहना है जितना हम जितना आप जितना आप वेस्टर्न दिग में जाओगे उतना ही शौचाचार कम है जितना ईस्टर्न जोन में जाओगे उतना महापू जी ने बताए अब कौन जाने क्या भक्ति क्या है उसका आ गया परमिशन लेकर पोपात का चरण दर्शन के लिए गया दंडवत तो जानता नहीं दे थिंक वी आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी लेकिन गुरु वैष्णव का सामने इसका कुत्ता बिल्ली का माफिक भी कोई कीमत नहीं है फिर भी त्रिणाद भी है इसलिए दिखा रहा है तुम्हारा लिए सम्मान है मेरा लेकिन सच पूछो तो कुत्ता बिल्ली का माफिक इसका पूछ नहीं है लेकिन वैष्णव दयालु है हर कोई को सम्मान देता है बैठा लिया बैठो आप कहाँ से आए हो अच्छा अच्छा हुआ प्रणाम ठीक है इतना ही काफी दंडवत करना नहीं जानता चलो ठीक है पोपा जी का साथ थोड़ा चर्चा उठाए और चर्चा उठाते उठाते पोपा जी हरी कथा बोल रहा है और ये आर्गुमेंट शुरू किया इन्होंने बोले आप लोगों ने ये समाज का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को खराब कर दोगे बोले क्यों बोले आप सब यंग लड़का को सब लेके आप साधु बना रहे हो वी आर गोइंग टू लूज आवर मैन पावर मनी पावर एवरीथिंग इट इज़ अ ग्रेट डेंजर फॉर आवर इंडियन इकोनॉमी आपने भिकुक बनाते हो यू आर मेकिंग ए ब्रेगर पोपा जी हैरान रहे क्या कह रहे हो बकबास पोपा जी ने धीरे धीरे उत्तर देना शुरू किया नहीं हम सुनना नहीं चाहते आप भिकारी बनाते हो आदमी को हैं आप भिकारी बनाते हो आदमी को सन्नास देके ये देखे क्या प्रतिष्ठित कर दो समाज में इंडियन इकोनॉमी का जरा तरक्की हो जाएगा पोपा जी का पास माना नहीं पोपात के बाद बहस किया पो, पोपात का बाद इतना तर्क किया पोपा जी दुखी हो गए और उठ के चले गए पोपा जी दुखी रह गए आज तक ऐसा इंसिडेंट कभी तक नहीं हुआ ये आदमी का इतना फॉल्सीगो है इतना अभिमान है एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं है चले गए जो प्रोपात बेनरस हिंदू यूनिवर्सिटी में लगातार ये तत्व सिद्धांतों के बारे में बताएं वेदांतों उपनिषद सब कुछ के ऊपर और वहाँ का जितना सारे स्कॉलर हैं ग्रेट स्कॉलर रिनाउन स्कॉलर ये लोग चकित रह गए चकित रह गए आप को बार ना कि प्रोभात वी कैन नॉट फॉलो व्हाट यू आर स्पीकिंग प्लीज कम डाउन टू आवर लेवल हम लोग इतना समझ में नहीं क्या कह रहे हो आप थोड़ा करके सरल करके हमारा स्टैंडर्ड में आ जाओ प्रोपात ने उत्तर दिया इवन द उपाचार्यो चैंसिलर चैंसिलर को बताए प्रोपा जी वाई यू आर गोइंग टू रिक्वेस्ट मी वाई यू आर गोइंग टू रिक्वेस्ट मी टू ब्रिंग माई स्टैंडर्ड डाउन रेदर आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कीप योर स्टैंडर्ड ब्रिंग योर स्टैंडर्ड अप हम हाँ, आप आप हमको बता रहे हैं हमारा स्टैंडर्ड को लो करें वाई नॉट यू डू जस्ट जा, ऑपोजिट आपका स्टैंडर्ड को ऊपर लाओ क्यों ऐसा रहे हो ये बी यूनिवर्सिटी है इतना इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है ये इधर ये लोगों की समझ में नहीं आता इतना लो स्टैंडर्ड है पापा जी ने बताया तो सोचो क्या प्रभुपात है और इसका प्रभुपात का साथ बहस किया दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जिन्होंने बहस किया हमने तो काल कह नहीं सके बहुत सारे चीज कहने का था ठाकुर जी क्या करे सुबह में तो बहुत उतना कुछ कह नहीं पाए समय का परिसर भी थोड़ी सी समय में क्या कहे जब मदन मोहन मदन मोहन मल्लबो ये इतना बड़ा रिनाउंस पर्सनैलिटी बहुत बड़ा इन्होंने इनका चरण में आके माथा टेका इन्होंने कह दिया जिंदगी में हमी हम कहाँ भी गए कहाँ जहाँ भी गए मेरा सर किसी का सामने झुका नहीं एक आपका सामने झुका अभी ये अतुल कृष्ण हमारा गोसाई महाराज अभी भिक्षा कलेक्शन करने के लिए निकाले अब जब आए पोपात के चरण में दंडवत करने के लिए देखे पोपात इतना गंभीर है मुख लाल हो गया और दंडवत करते हुए पोपाद क्या हुआ आपका आपका क्या हुआ आज ऐसा तो देखा नहीं कभी आपका तो ऐसा चेहरा दिखा नहीं हैरान क्या हो गया पोपाद ने बोला क्या कहे क्या कहे एक आदमी आया मेरा सामने मेरा तीन घंटा मेरा तीन घंटा हरी भजन का खा के चला गया मेरा हरि भजन का एक एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आई लाइक टू यूटिलाईज हरी सेवा और इन्होंने मेरा तीन घंटा खाके चला गया नाम क्या है अब बताओ नाम क्या है नाम है बता दिया नाम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तुरंत गोसाई महाराज ने मंदिर से निकाला मंदिर से निकाला मंदिर मतलब जहां प्रोपात थे वो तो मंदिर ही है जहां महात्मा आई तो मंदिर ही है वहां से निकाला वहां से प्रतिज्ञा करके सौगंध खा के बोपत का चरण में सोगंध करके मैं जा रहा हूं एक कुत्ता को लाने के लिए बोपत गया उसका घर में जानकारी था एंड गोसाई महाराज गया जाके रिंग रिंग लगाया रिंग रिंग बेल बेल रिंग और उन्होंने कौन है मैं आम हम हूं मैं हूं आओ नीचे और आया आने के बाद जब दरवाजा खोला ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहाँ पानी में चले जाए कुत्ता बिल्ली का माफिक इतना अंग्रेजी में कहना स्वाद सिद्धांत तो विचार आपने अपना जिंदगी खत्म कर दिया मैं कसम से बोल रहा आप जिंदगी आप जला दिया आपका जिंदगी आपने जिस महापुरुष का साथ बहस करके आया है आप जानते नहीं हो ये भगवान का अपना आदमी है आपका जिंदगी बर्बाद हो गया जाओ अगर आप अच्छा चाहते हो भला चाहते हो मेरा साथ अभी चलो गुस्से महाराज पोपात से सौगंध लेकर एक टैक्सी लिया तुरंत उसका घर में गया बैठो मेरा टैक्स में चलो नहीं तो आपका जिंदगी जल जाएगा लाया दंडवत करो करो दंडवत किसका साथ बहस किया जानते हो कौन है कुत्ता का मापिक दंडवत किया दंडवत करने के बाद जेब से 500 सौ रुपया पांच सौ तब की जमाने पांच सौ मतलब फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड पांच सौ रुपया का डोनेशन निकाला पोपात के चरण में रख के क्षमा मांग के चला गया दिस इज कॉल गोसाई महाराज भक्ति ठाकुर ने कीर्तन में लिखा तुम्ही तो ठाकुर तोमार कुकुर बोलिया जानो हो जो मालिक नहीं कर सकता उसका कुत्ता कर सकता मैं कुत्ता हूँ गुरु वैष्णव का कुत्ता हूँ हर वक्त भोगते रहता हूँ चिल्लाते रहता हूँ मेरा काम है हमारा प्रभु का हमारा मास्टर का जो स्वार्थ है उसको प्रोटेक्शन देना चाहे आदमी कहे कुत्ता लेकिन मैं कहूँ कुत्ता का कुत्ता का कुत्ता से बढ़कर वफादारी किसी का नहीं है मैं कुत्ता हूं मैं गुरु वैष्णव का कुत्ता हूं मानता हूं कुत्ता से बढ़कर वफादारी किसका है दिखाओ गोसाई महाराज जी को पोपा जी ने निर्णय लिया आपको फॉरेन कंट्री में जाना है यूरोपियन कंट्री में पोपा जी ने इनको फॉरेन कंट्री में भेजा और भेजने का साथ साथ अपना जो शिष्य है जिनके नाम है सदानंद प्रभु एक जर्मन डिवोटी इतना बड़ा महात्मा है कि जिंदगी में हम सोचा ही नहीं कि इतना बड़ा महात्मा जर्मन में पैदा हो सकता प्रोपा जी ने बोला ये नित्य पार्षद है इज माई इटरनल पार्षद प्रोपा गोसाई महाराज के बारे में गोसाई महाराज के बारे में मैं दिखा दूं आपको राइटिंग मैं गोस्वामी महाराज के बारे में पोपत क्या बोला है घोड़ियों में छपा था भले ही इज अ रियल गोस्वामी सरभ गोस्वामी का नाम सुने होंगे आप पोपत कह रहे हैं ही इज अ रियल गोस्वामी ही इज अ जेन्युन डिवोटी ही इज माय इटर्नल पार्षद पोपाजी जी ने बताए और ये गोस्वामी महाराज को जब फॉरन भेजा एक चुआन्नी एक पैसा चुआन्नी तो दूर की बात है चुआनी तो दूर की बात है एक पैसा भी पापा से लिया नहीं पापा से एक पैसा लिया नहीं अपने आप प्लेन का टिकट जितना सारे एक्सपेंस सब कुछ अपने आप अप उठाया अपने बोझ अपने उठाया प्रीचिंग का पापा से गोड़ियामठ से एक पैसा भी नहीं लिया दिस इज कॉल गोस्वामी महाराज गोस्वामी माए फॉरेन में गए यूरोपियन कंट्री में हमारा प्यारा हमारा प्यारा सदानंद प्रभु जी तमाम फॉरेन ट्रिप में इनके साथ थे पोपा जी ने उनको पूछा जे फॉरेन कंट्री में यूरोपियन कंट्री में मैं इनको प्रचार के लिए भेजा कि क्या डेजिग्नेशन क्या टाइटल देने से एक असर पड़ेगा क्या टाइटल इसके लिए सर्टिफिकेट हम भेजे जैसे कि कोई असर पड़े पब्लिकों का हृदय में सदानंद प्रभु ने सजेस्ट किया उपाध जी को मि मिशनरी मिशनरी चार्ज ऑफ गौरी मिशन मिशनरी इन मिशनरी चार्ज ऑफ गौरी मिशन मिशनरी चार्ज ऑफ गौरी मिशन इन्होंने हर जगह प्रचार किया इतना अनोखा प्रचार जब कह नहीं सकते ये प्रचार कोई मामूली बात नहीं है हरे कृष्ण बोलो ऐसा नहीं है डीप फिलोजॉफी एक संत महात्मा को पहचानने पहचानने के लिए एक रास्ता है इसका जवान से क्या निकलता है इसका हाथ से क्या निकलता है इसका आचरण से क्या निकलता है आजकल के जमाने में कुछ नहीं है सब खाली हो गया हम लोग रोते रहते कहाँ हैं आओ गुरुवर को दिखाओ मार्ग दिखाओ कौन सुने रानी रानी विक्टोरिया आदि इंग्लैंड का जो रानी है बाकी एलिजाबेथ सब कोई का सामने हरिका था बोल हर इंपॉर्टेंस सोसाइटी में इतना गौड़ी दर्शन का बारे में चर्चा की आदमी को होश उड़ गया ये इतना हाई फिलोसॉफी जगत में है अभी भी ऐसा है क्या इतना ऊंचा आदमियों का होश उड़ गया है पाप रे बाप सिद्धांत हो पैसा का पैसा का कमी था उस जमाने में पापा से एक पैसा लिया नहीं अपने आप डोनेशन कलेक्ट करके अपना प्रीचिंग का ऑर्गेनाइज किया जो कुछ भी किया प्लेन फेयर से लेकर खाना बीना सब कुछ और महाराज एक दफे पैसा खत्म हो गया और घर पैसा खत्म हो गया क्या करे अब ठीक है पैसा आ जाएगा इतने में अपना घर को सफाई करने वाले जानते हो ना कुछ पेड में घर को सफाई करके लिया आया इन्होंने महाराज जी को बोला महाराज आई थिंक यू हैव वन पार्सल कमिंग इन द गेट गेट साइड आपका लेटर बॉक्स में है, कुछ आया होगा पोस्टमैन में, में दे के चला गया अब तुरंत जाओ उसको ले लो महाराज जी ने बाहर आया महाराज के ये लिफाफा लिफाफा हाथ में लिया लिफाफा को फाड़ दिया फर के निकाला है महाराज हैरान हो गया हैरान करने वाला बात है महाराज जी ने देखा उसका अंदर में एक चेक है एक सेल्फ चेक ये आपका बर्धवान का राजा बर्धवान डिस्ट्रिक्ट का राजा बंगाल में इन्होंने इनका नाम पे एक बड़ा चेक भेजा लेकिन ये चेक को कैश करना संभव नहीं है क्योंकि महाराज जी प्रीचिंग के लिए कभी इधर कभी उधर भाग रहे हैं। तो एक का साथ कोई इंपॉर्टेंट अब जिसका मुलाकात हो जाए तो ये तो चेक आया है इसी समय इधर नया है अभी प्रीचिंग होगा फिर परिचय होगा दूसरा जगह प्रचार करके आया है सब अब महाराज क्या करे कोई अगर सर्टिफाई ना करे कोई अगर सर्टिफाई ना करे तो चेक तो कैश होना संभव नहीं महाराज ने क्या किया ठीक दस बजे जब ऑफिस खोलता है ये बैंक में चला गया एक बड़ा सा बैंक में तब तो का जमाने में उतना भीड़ भड़क नहीं था अंदर में चला गया मैनेजर का घर में चला गया जाके डिस्कस किया महाराज मैनेजर आई हैव सम्रावल आई गेट सम चेक टू हेल्प मी टू गेट कैश मैनेजर के साथ बात किया ये एक हम जो चेक मिला तो आपको थोड़ा कैश बनाना है मैनेजर ने बोला देखो आपका ये चेक तो कैश बन जाएगा लेकिन कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का आइडेंटिफिकेशन चाहिए नहीं तो हम दे नहीं सके हैरान रह गए अब तो यहाँ नया आया कहाँ जाए इतना किलोमीटर काल रात था काल काल पुचार किया था दूसरा जगह हमारा क्या करे कौन तो अभी तो जानकारी है नहीं इतने में महाराज जी ने देखा महाराज का नजर गिरा जे मैनेजर के टेबल में महाराजगढ़ महाराज के मैनेजर जी का टेबल में एक न्यूज़पेपर है और उसी न्यूज़पेपर में उसका अपना ही पिक्चर है ध्यान दे बात को महाराज जी ने देखा अपना ही एक पिक्चर छपे हुए हैं फ्रंट पेज में किसी बिग इन बिग इंपॉर्टेंट पर्सोनैलिटी किसी बिग इंपोर्टेंट पर्सोनैलिटी के साथ हैंडसेक कर रहे हैं हैंडसेक इंपॉर्टेंट पर्सोनैलिटी के साथ हैंडसेक कर रहे हैं ये फोटो छपा हुआ है न्यूज पेपर को उठाए और मैनेजर को बोले हुई वट डू मीन बोले हुई इज इट आई माइसेल और समोरियल मैनेजर में देखते मैनेजर देखते रह गए अरे न्यूज़पेपर का फोटो देखे और इसका और देखते रहे न्यूज़पेपर देखते रहे आई थिंक सेम देन आई एम सेम व्हाट इज द नेम देर अतुल किशनो गोस्वामी लिखा हुआ ना ये तो प्रीवियस नेम है ये तो लिखा हुआ है और संग संग मैनेजर को बताएं आप कृपा करके आप आइडेंटिफाई करो ये तो छपा हुआ है मैं ही हूं उन्होंने तुरंत केस दे दिया इतना गुरु कृपा के द्वारा किसी जगह पराजित होके कभी नहीं आए गुरु कृपा का महिमा से कभी किसी जगह पराजित होके नहीं आए ये महाराज जी का महिमा है क्या कुछ नहीं किया पोपात के लिए प्राण देने के लिए तैयार है एक दफे इंग्लैंड में प्रचार करने के लिए रुका था थोड़ी दिन के लिए इधर उधर प्रचार किया बड़ा गंभीर प्रचार ये कोई मामूली प्रचार नहीं है कि हरे कृष्ण बोलो ऐसा नहीं है तब की जमाने में हमारा बन महाराज हमारा भक्ति प्रदे महाराज हमारा गोसाई महाराज का प्रीचिंग का स्टाइल प्रीचिंग का स्टैंडर्ड आप अगर देखोगे पागल हो जाओगे आजकल के जमाने में क्या स्टैंडर्ड है क्या हरिकथा का क्या स्टैंडर्ड है क्या स्टैंडर्ड है इतना लोग इतना चिप हो गया क्योंकि कनेक्शन नहीं है ना ऊपर का साथ बिंदावन के साथ वैकुंठ जगत का साथ अगर कनेक्शन नहीं है तो ये हरिकथा क्या हरिकथा है भक्ति में ठाकुर कहते थे भक्ति में ठाकुर कहते थे भक्ति में ठाकुर का कहना है ये वैकुंठ जगत का पार्षद के अलावा बैकुंठ वार्ता हरिकथा के ही बोली दे पा रहे ना बेंगोली भक्ति में ठाकुर ने लिखा बैकुंठ जगत का जो पा, जो दूत है मैसेंजर है ये छोड़ के हरिकथा बोलना आम आदमी का काम नहीं है आम आदमी का काम नहीं है हरिकथा कैन एपियर वेर ये सब महापुरुष का जवान पे हरिकथा उतारेगा आएगा समय कहाँ है इनके मोहिमा बताने के लिए समय कहां है इतने से समय क्या है कुछ नहीं है महाराज जी के सामने कई सारे यूरोपियन भक्त यूरोपियन व्यक्ति ने बोला यू आर स्पीकिंग द ग्लोरीज ऑफ भगवान कैन यू शो भगवान भगवान को आप दिखा सकोगे कैन यू शो यू भगवान यू आर सिंगिंग द ग्लोरीज ऑफ भगवान कैन यू शो वी लैक टू सी गोसाई महाराज का जवान से निकल गए यस आई कैन शो यू वैन टुमोरो मॉर्निंग यू कैन कम कल सुबह आओ भगवान दिखा देंगे अरे कैसा बात है सुबह में आओ भगवान दिखा देंगे कह दिया रात को सोया जागा प्रोपात को पार्थो न किया प्रोपात मेरा जवान से ना जाने कैसे निकल गया जो हम भगवान को दिखा देंगे अब ये साबित करके दिखाना तो भगवान का काम है इन्होंने क्या किया ए, एक निम स्टिक निम ऐसा ऐसा दांत घिस रहा है और अपना जो सामने जिस जगह किराए पे रहा उस जगह में एक गार्डन है लॉन है उसमें चल सोचते रह गए अरे हमने तो कह दिया और तो आएगा अब भगवान कैसे दिखाए इतने में दांत घिसते घिसते अचानक दिखा रे क्या है उधर देखे एक पेड़ का नीचे एक अध भगवान अरे ये कैसे आ गया इंग्लैंड में पेड़ का नीचे दौड़ के गया सब हाथ के अरे गाले से लगाया रोना शुरू कर दिया अरे ठाकुर जी क्या कमाल है आपने मेरा जैसा गिरा हुआ इंसान का बचन को बचन को साबित करने के लिए प्रमाण के लिए आप हाय 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 जैसे प्रहलाद महाराज का बारे में भागवत जी महापुराण में लिखा हुआ है सुखदेव से सुखदेव गोस्वामी जी ने लिखा है सत्वम विधातुम लिखा हुआ है भागवत जी महापुराण सत्वम विधातुम निजभित्व भाषितम निशिंगदेव ने जब प्रहलाद महाराज कहा हिरण्य असुर असुर राज कह रहे है तेरा भगवान है एक खम्बा में खम्बा में है तेरा भगवान एक में है क्या बोला हाँ है यहां में भी है ठीक है एक मक्का लगाया एक मुक्का लगाया चूर चूर होके गिर गया ये ये है। पीलर। ये है, चूर चूर गिर गया, और खंभा का अंदर से निशिंगदेव प्रकोट हो गया भागवत जी वहां पर लिखा हुआ है सत्यम विधातुम निजभित्त भाषितम ने अपना भक्तों का बचन को साबित करने के लिए भगवान या गोसाई महाराज गले लगाया रोना शुरू कर दिया भगवान हमारा लिए आपने कितना उठाया लोग देखने आए कहा तुम्हारा भगवान ये देखो भगवान ये देखो भगवान प्रकट हुआ ये लोग विश्वास करने के लिए मजबूत क्यों इतना भारी विग्रोह महाराज जी ने लाया नहीं बाहर से अचानक कहां से ऐसा मापी वो अध्यक्ष जो विग्रह जो उसका पिक्चर है गोसाई महाराज का गौड़िया में निकाला था जब फॉरेन ट्रिप से महाराज जी इंडिया में बॉम्बे में उतारा तो भक्तों लोग गया उसको रिसीव करने के लिए और ये फोटोग्राफ रिपोर्टर लोग ये गोसाई महाराज ये देखना वो पिक्चर हमने देखा है ये है ये जो पिक्चर है भगवान का भगवान के इधर लेते तो हैं महाराज प्लेन से महाराज हवाई जहाज़ से धीरे धीरे नीचे उतर रहा है और एक पिक्चर है औदक्ष विग्रह वो औद विग्रह का पिक्चर मैंने देखा है और ये जो पहले बाग बाजार गोरी मिशन में उसका बाद जोक पीठ उसके बाद कहाँ चला गया हमको पता नहीं आसाम में गया होगा किसी जगह पता नहीं तो ये इतना बड़ा महापुरुष है जिनका बारे में कुछ भी कहे वो थोड़ा कुछ नहीं है इतना बड़ा प्रोफेशन से इतना बड़ा तो इतना बड़ा गुरु भक्ति जो श्लोक दे के शुरुआत किया था इसका थोड़ा माने आप सुन लो शरीरम वसुविज्ञानम कर्म गुणानो असूनो से धारे जस्तु स्व शिष्य नई तरस से जो आपना जीवन जिंदगी पैसा जो कुछ भी है एडुकेशन जो कुछ भी है प्राण ये प्राण तक गुरुचरण में दे दिया सेवा करने के लिए ये शिष्य है बाकी आदमी शिष्य कहने का लायक नहीं है शिष्य तो वो है जो गुरुचरण में अपना जीवन जिंदगी जो कुछ भी है निछावर कर दिया वो तो गुरु वो है शिष्य बाकी आदमी शिष्य नहीं है शिष्य हो कहने कहलाने का लायक नहीं है और एक सुबह सुबह का हरिकथा में हम चर्चा की जिस बात को उठा के मैं जिस बात को उठा के मैं ये साबित करना चाहूं कि कितना बड़ा सिद्धांत तो विचार है कितना बड़ा सिद्धांत सुन लो सुबह में मैं चर्चा किया था अब साइम नहीं है बलवान अदरो यून साध गुरु पदामबुझे श्रुतो रोपित कृष्ण भक्ति न जायते क्या लिखा है श्रीनिवास आचार्य जी श्रीनिवास आचार्य लिखा है बलवान अदरो ट्रिमेंडस अट्रैक्शन गुरुचरण में इतना खिंचावट होनी चाहिए कि भागे चले जा रहे पागल कम आपे ऐसा अगर ना हो जितना भी शास्त्र मुकस्त करे कितना भी कुछ करे प्रवचन करे ये कैन नॉट कम आउट सक्सेसफुल बलवान अदरो जो सोन गुरु पदाम बुझे गुरुचरण में जिसका निष्ठा नहीं है गुरुचरण में जितना इसका ट्रिमेंडस भक्ति योग नहीं है इनके लिए संभव नहीं है बलवान अधरु जून साध गुरु पदाम्बुजे श्रुतोर पीत शास्त्रोर कृष्ण भक्ति न जायते इसका लिए कृष्ण भक्ति मिलना संभव नहीं कृष्ण भक्ति इसका लिए नहीं है बहुत दूर हमारा ब्रजवासी लोग वृंदावन में कीर्तन करते मैं हाँसी आता हूँ मेरा ये लोग समस्ता की नहीं कौन जाने ये लोग समस्ता की नहीं हमको मालूम नहीं लेकिन कहता है कीर्तन में बड़ी दूर नागरी गोकुल नागरी ऐसा कहते हैं कीर्तन में हमको हंसी लगता है सचमुच वाकई ही भगवान का धाम इतना दूर है जी इस हालत में रहकर पहुंच नहीं सकोगे उठना है हरिकथा कथा सुनते 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 ट्राई टू गेट मैच्योरिटी एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं बहुत सारे सिद्धांत तो विचार कहने का इच्छा रखते हुए बंद करना पड़ा इसके लिए क्षमा मांगता हूँ काल भी बहुत सारे चीज बोलने का इच्छा था बहुत सारे इंपॉर्टेंट कह नहीं पाए कुछ कारण तो जरूर है